डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं छोटे बच्चों को हिंदी की मात्राएं कैसे सिखाएं, उनको पढ़ना और लिखना कैसे सिखाएं। अपने इस वीडियो में मैं आज जो भी आपको समझाऊंगी एक बार फॉलो करके देखिएगा, कितने आसानी से बच्चा हिंदी पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। इसको हमें सिखाना है टू स्टेप्स में। फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें आप बच्चे को लेफ्ट और राइट सिखाएंगे। लेफ्ट एंड राइट मींस लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। आप बच्चे को ये बताएंगे कि क्योंकि हम राइट हैंड से लिखते हैं तो दैट हैंड इज द स्ट्रॉन्गर हैंड, और वही हैंड है जो बड़ा भी माना जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, इससे हम ज्यादा काम करते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा होगा जो कि है छोटा हैंड, विच इज लेस स्ट्रॉन्गर, तो इसको आप सिखाएंगे छोटा हैंड। जब आप ये बड़ा और छोटा बच्चे को लर्न करा देंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, तो मात्राएं सिखाना, लिखना और पढ़ना सब आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही आपने बच्चे से बात की, कुछ लिखवाया अपने बच्चे को, आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, उससे पहले हम क्या सिखा चुके होंगे, लेफ्ट एंड राइट हैंड। अब सेकंड स्टेप पे हमें बच्चे को यही चीज़ें बोलकर डिफरेंशिएट करानी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिख रहे हैं दिन, तो आपको बच्चे को वर्बली सिखाना है कि मात्राएं अगर बोली जाएंगी तो बोलने में वर्बली उसको डिफरेंस पता हो। दिन, दीन, आज दिन में मैंने यह काम खत्म किया, आज दीन में मैंने यह काम खत्म किया, तो बच्चे को दिन और दीन लंबी की मात्रा बोलने का डिफरेंस आप सिखाएंगे, ठीक है। और पहले हम सिखा रहे हैं छोटी की मात्रा, तो आप कुछ शब्द सिखाएंगे जो छोटी की मात्रा के हैं, जैसे कि किताब, किताब या किताब, यह किताब मुझे दो, यह किताब मुझे दो, तो डिफरेंस बच्चे को समझ आने लगेगा। हम कैसे सिखा रहे हैं, वर्बली, किताब किताब। जब बच्चे को वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करेक्ट आ जाएगी, जब बच्चे को पता होगा कि हम इसको कैसे बोलते हैं, तो वो मात्रा आसानी से लगा पाएगा। कल मैंने एक हिरन देखा या हिरन देखा, हिरन, तो जब बच्चे को पता लगेगा कि आवाज़ जल्दी आ रही है ई की, तो वो अपने आप ही सीख जाएगा कि इसमें छोटी की मात्रा लगानी है, क्योंकि यही हमें सेकंड स्टेप में सिखाना है। छोटी की आवाज़ मतलब कि छोटी सी ई की आवाज़, तकिया और तकिया, तो हिरन, तकिया, त क पे छोटी सी ई की आवाज़ आ रही है, तकिया, एक तकिया लाओ या फिर एक तकिया लाओ। आप इस तरह से बच्चे को बोल के सिखाएंगे तो बच्चा इस बात को इजीली सीख पाएगा। अब साथ में राइट हैंड वाली साइड पे आप बच्चे को बड़ी की मात्रा सिखाएंगे, जैसे कि लकड़ी या लकड़ी, तो बड़ी की मात्रा, मछली या मछली, कल मैंने एक मछली पकड़ी या कल मैंने एक मछली पकड़ी, मछली पकड़ी, पूरा ली में आपको ई की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो म छ ली, मछली। इस तरह से आपको बच्चे को डिफरेंस सिखाना है। मुझे एक खीरा खाना है या मुझे एक खीरा खाना है, खीरा पूरा ई सुनाई दे रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे, खी रा। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप अगर आप बच्चे को सिखा देंगे तो बच्चा आसानी से यह मात्राएं
सीख पाएगा। अब हम बात करते हैं ओ की मात्रा की, जिसमें यही दो स्टेप्स रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, जो भी छोटी मात्रा है वो लेफ्ट साइड पे, जो भी बड़ी मात्रा है वो राइट साइड पे। देखो छोटी मात्रा हमारे लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इतना कॉन्सेप्ट आपने बच्चों का डेवलप करना है, तभी वो आसानी से लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ऊ की मात्रा की, तो सबसे पहले आप उनको बताएंगे कि ऊ लिखा कैसे जाता है, जो कि ऑलरेडी बच्चा सीख चुका है जब हम उसे मात्रा सिखा रहे हैं। तो अब ऊ से आप उसको सिखाएंगे, क्योंकि ऊ ऐसे बना है तो मात्रा भी यहाँ से घूमकर ऐसे बनती है, घुमाकर नीचे से ऊ की तरह, और फिर बड़ी ऊ की मात्रा घुमाकर ऊपर से। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से मात्रा लगाते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। बड़े ऊ की मात्रा कैसे आएगी, ऊपर से नीचे। तो अभी इस वीडियो में आपको बच्चे को सिर्फ ई की मात्रा पे फोकस कराना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हम पढ़ाएंगे छोटे और बड़े ऊ की मात्रा, और साथ में बहुत सारी वर्कशीट्स मैं अपलोड करूंगी, सो दैट आप बच्चे को आसानी से प्रैक्टिस भी करा पाएं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोज़ ऑन टाइम, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।